आज मैं आपको ऐसी पांच बातें बताऊंगा, यदि जीवन में आपने इनका उपयोग कर लिया तो आप क्रोध से जो है अपने आप को बचा पाएंगे, आपको अंदर जो क्रोध आता है उसके जो बुरे प्रभाव से अपने आप को बचा पाएंगे। आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या आती है तो उस क्रोध के कारण जो है समस्याएं और बढ़ जाती हैं। कहते हैं ना, क्रोध कभी भी अच्छा नहीं होता और कहीं ना कहीं जो है आपको और सबको जो नुकसान पहुँचाती है। तो क्रोध को लोग कहते हैं क्रोध को कंट्रोल कैसे करें, मुझे समझ में नहीं आता क्या करें। तो मैं आज ऐसी आपको पाँच बातें बताने वाला हूँ, पाँच तकनीक बताने वाला हूँ। जीवन में यदि आपने इसको धारण कर लिया, एक को भी धारण कर लिया, तो भी आप जो है इससे बच सकते हैं। और हर इंसान के अंदर ये क्रोध एक स्वभाव होता है, तो जब 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 इसकी जरूरत पड़ती है तो आप इसको उपयोग जरूर करें। तो पहला, विद्या ददाति विनयम। विद्या, जितना ज्ञान आप हासिल करते जाएंगे, जितना ज़्यादा जो है पढ़ेंगे जानेंगे और ज्ञानवान होंगे, उतना ही जो है आपके अंदर विनम्रता आएगी। अधूरा ज्ञान हमेशा छलकता है, लेकिन जैसे ही आप ज्ञान की सीमा तक पहुंचेंगे, परिपूर्णता तक पहुंचेंगे, परिपूर्णता तो कभी होती ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है जितना ज़्यादा आप ज्ञान लेते जाएंगे, जानकारी लेते जाएंगे, उतना ही आपके अंदर विनम्रता आएगी। यदि विनम्रता नहीं है तो समझिए कि आप जो है अभी वहाँ उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं। तो यदि आपको क्रोध आता है तो सोचिए, क्या आपका स्तर इतना ही है? क्या सामने वाला व्यक्ति है वो आपके बराबरी के लायक है, क्या क्रोध के लायक है? क्या उस क्रोध को करने से क्या आपको कोई लाभ होने वाला है कि दूसरे को लाभ होने वाला? कभी नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़े क्रोध तो कभी भी जो है फ़ायदा नहीं पहुंचाते। तो विद्या ददाति विनियम, इसका जो है आप पालन जरूर करें। दूसरा, तथागत बुद्ध ने कहा, क्रोध उसी तरह से है जिस तरह से जो है आपने जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़े हुए और इस नीयत से कि दूसरों पर फेंकेंगे, यही तो है क्रोध। तो क्रोध जैसे जलता हुआ कोयला वो आपकी मुट्ठी में और आप उसे दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, यानी क्रोध करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हाथ किसका जलेगा? उस व्यक्ति का जो उसको हाथ में पकड़े हुए है। इसलिए क्रोध ठीक उसी तरह से है जलते हुए कोयले की तरह, सबसे पहले वो आपको जलाएगा। इसलिए जो है क्रोध कभी भी सही नहीं होता, उस जलते हुए कोयले को हाथ में मत पकड़िए, उसको बुझ जाने दीजिए। तीसरी बात, मैं एक कहानी शुरू करूँगा कि एक जो है मान लो कमरा है और ऊपर एक डंडी लगी हुई है और उसको हमें लटक कर उस दूसरी तरफ जाना है। अब जो है नीचे जो है आग की कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई है उसमें जो खोलता हुआ तेल है और आग भी है। अब मान लीजिए हम उससे निकलना चाहते हैं, जब उसके हम ऊपर आए और उस समय क्या है कि हमारी पकड़ धीमी होने लगी, तो उस समय कंडीशन यही, अगर हम उस समय रुक गए तो हमें आग महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी और उस समय वो क्या है हम नीचे गिर भी सकते हैं। तो जब गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, या तो हम कढ़ाई में गिरेंगे या तो उस आग में गिरेंगे। कब? जब आप वहीं पर डटे रहे, या तो आप निकल गए तो निकल जाएंगे। ठीक इसी तरह से क्रोध भी है, यदि क्रोध आता है तो आप ये समझिए, उस समय इमेजिन कीजिए कि जो है जो उसका परिणाम है उस खोलते हुए तेल की तरह है, या उस पर हम वहाँ रुकेंगे तो जो है हम उसमें गिरेंगे, यदि आग में गिरे तो नुकसान खुद का है और वैसे तो होने ही होना है। इसीलिए आप वहाँ पर ना रुके, रुकेंगे तो गर्मी बढ़ेगी तो हाथ छूटेगा। सीधी सी बात है कि जब क्रोध जब आएगा तो कहीं ना कहीं हम गलत निर्णय लेंगे और उसका नुकसान हमको ही होना है। इसलिए और आप विकास के रास्ते में नहीं जा पाएंगे, सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इग्नोर करिए और आगे बढ़िए, तो उस जगह से जो है निकल जाइए। चौथा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपको नियम एक बता रहा हूँ कि जीवन में कभी भी क्रोध आए तो थोड़ा रुक जाइए, जल्दी निर्णय मत लीजिए, और अगर गलती की है तो थोड़ा झुक जाइए, तो जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं। क्यों? आप उस समय जो निर्णय लेने वाले थे वो गलत की तरफ था। कहते ना कि क्रोध बुद्धि को हर लेता है, तो क्रोध बुद्धि को हर लेता है, मतलब सही निर्णय ले पा रहे, तो इसलिए जीवन में कोई समस्या आएगी नहीं, गलती की है, थोड़ा झुक जाइए। और अगर क्रोध के समय आप जरा रुक गए तो कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो है इस वजह से रुक जाती हैं कि उस समय जो है हम उससे दूर हो गए। और पांचवा, कबीर साहब ने भी कहा है, अब कबीर साहब का एक दोहा मैं आपको बता रहा हूँ, आवतगारी एक है उलटत होए अनेक, कबीर जब नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीर साहब कहते हैं कि आवतगारी एक है, अगर किसी ने गाली दी तो अकेली तो थी, लेकिन आपने उसका उत्तर दिया तो आपने दिया फिर उधर से दिया, मतलब उलटत होए अनेक, यानी फिर तो वो बढ़ गई, बहुत सारी हो गई, अनेक हो गई, गिनती नहीं रही। फिर आवतगारी एक है उलटत होए अनेक,
कबीर जब नहीं उलटी है वही एक की एक, यानी कि हम उसका प्रत्युत्तर नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, तो वही एक की एक रहेगी। सीधी सी बात है, यदि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं और वो सामने वाला ले ही नहीं रहा है, तो वो चीज़ आपके पास ही तो है, यानी कि सामने वाला हमें दे रहा है, हम ले ही नहीं रहे, तो उसी के पास है। तो इस तरह से जीवन में इन पांच बातों को अपनाएं, क्रोध और उसके परिणाम से आप जो है बिल्कुल मुक्त रहेंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। सभी साथियों की बात समझ में आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अपने जीवन में आप और ऐसे कौन से बिंदु अपनाते हैं और इनमें से आप किसको अपनाते हैं, नहीं अपनाया तो अपनाइए और इस चीज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत बड़ी समस्या लोगों के अंदर, इस समस्या को वो दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। सभी साथियों का निर्मल का नमस्कार।